आप लोगों को एक बार और द्वंद्व समास के बारे में बता देता हूँ द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का बोध होता है मतलब कि इसमें दोनों शब्द जो दो शब्द होते हैं वो दोनों शब्द प्रधान होते हैं मतलब कि दोनों पद जो पहला पद माता और दूसरा पद पिता है ये दोनों पद समान होते हैं या प्रधान होते हैं और इन दोनों में द्वंद्व की भावना होती है द्वंद्व की भावना मतलब कि दोनों में महत्व की लड़ाई होती है माता का भी महत्व उतना ही है जितना पिता का महत्व है दोनों की महत्व समान होती है इसी में द्वंद्व होता है इसी प्रकार हवा और पानी दोनों का महत्व तो समान है इसी प्रकार रात और दिन दोनों का महत्व तो समान है इसी प्रकार आकाश और पताल और स्वर्ग और नरक सोना और चांदी इन दोनों शब्दों में अपनी अपनी जगह इन दोनों का महत्व बहुत ही ऊंचा है तो इस प्रकार से द्वंद की भावना प्रकट करने वाले शब्द में द्वंद समास होता है अब आगे चलते हैं बहुब्रीह समास में बहुब्री समास इस प्रकार के समास में दो पद के मेल से बना तीसरा पद नवीन अर्थ प्रकट करता है या संकेतक अर्थ प्रकट करता है उसे ही बहुब्रीह समास कहते हैं एक बार और पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए अच्छे से समझा देता हूं आपको बहुब्रही समास में दो पद होते हैं और वो दो पद मिलकर एक तीसरा नया शब्द या पद बनाते हैं जो कि नवीन अर्थ प्रकट करता है या संकेतक अर्थ प्रकट करता है उसे ही बहुब्रीह समास करते हैं मतलब कि दो पद मिलते हैं और तीसरा पद बनाते हैं वही पूरे अर्थ को प्रकट करता है उस प्रकार के समास को बहुब्रीह समास कहते हैं तो उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण है दशानंद ठीक है दशानंद ठीक है तो शब्द है तो इसका अर्थ देखते हैं तीसरा अर्थ जो नया शब्द प्रकट करता है ठीक है दस है आनंद जिसका अर्थात रावण ठीक है दस है आनंद जिसका अर्थात रावण मतलब कि दस धन आनंद करके ऐसा बना है शब्द तो दशानंद शब्द बना तो ये नया अर्थ प्रकट कर रहा है कि दस है आनंद जिसका अर्थात रावण तो रावण का बोध हो रहा है यहाँ पर इसी प्रकार है लंबोदर तो लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी चंद्रशेखर चंद्रमा है जिसके शिखर में अर्थात शंकर भगवान ठीक है शंकर जी इसी प्रकार चौथा है कमल नोचन पानी पांचवा छठवा है मुरलीधर सातवा है त्रिनेत्र आठवा है गजानन ये सब बहुप्रह समास के उदाहरण है एक बार और बताता हूँ बहुब्री समास बहुब्रीह समास में दो पद होते हैं जो दोनों पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जो कि नवीन अर्थ प्रकट करता है या संकेतक अर्थ प्रकट करता है उसे ही बहुब्री समास कहते हैं जैसे कि दस प्लस दस धन आनंद शब्द बना दशानंद दस और आनंद जुड़कर दसानंद शब्द बना जिस जो कि नया अर्थ प्रकट जो कि नया अर्थ प्रकट कर रहा है दस है आनंद जिसका अर्थात रावण तो रावण का संकेतक अर्थ या नवीन अर्थ प्रकट कर रहा है दशानंद ठीक है संकेतक अर्थ रावण का प्रकट कर रहा है दसानंद इसी प्रकार है लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी तो गणेश जी के लिए संकेतक अर्थ प्रकट कर रहा है लंबोदर इसी प्रकार है चंद्रशेखर कमल लोचन वीणा मुरलीधर त्रिनेत्र और गजानंद ठीक है ऐसा करता हूँ आप लोगों को समाज समझ समझने के बारे में समझ आ गया होगा आप लोगों को कि समाज कैसे पहचानते हैं समाज की परिभाषा क्या है समाज कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को समझ में समझ में आ गया होगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जैसे कि माता और पिता दे दिया तो माता और पिता में कौन सा समास है जैसे पंचवटी दे दिया तो पंचवटी में कौन सा समास है तो आपको पता है कि संख्यावाचक है मतलब कि द्विगु समास है दोनों में द्वंद्व की भावना है मतलब द्वंद समास है और अगर नया अर्थ प्रकट कर रहा है तो बहुव्रीहि और अगर पहला शब्द उपसर्ग है तो अवैवभाव समास और अगर दूसरा और अगर दो शब्द मिलकर तीसरा नया नवीन अर्थ प्रकट करता है तो वो होगा तत्पुरुष और अगर और अगर पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द संज्ञा और दोनों मिलकर किसी किसी की विशेषता बताते हैं या पहला शब्द विशेषण होता है तो वह होता है कर्मधारा समास ठीक है आशा करता तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजी को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू